हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा चैनल में एक वीडियो है जिसमें इस आईडी के बारे में मैं बताया और ये बताया कैसे आप मोबाइल से प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसमें मैं प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो उस वो प्रोग्राम में सिर्फ इस मोबाइल की मदद से रिकॉर्डिंग करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रोग्राम जब होता है वहां पर मिक्सर यूज करते हैं, तो बहुत लोगों का बहुत तरह की मिक्सर होता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक कॉमन बात है, आप समझे, अच्छी तरह से समझ लीजिए, मुझे उतनी अच्छी तरह से हिंदी बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये जो आईरिक, इसको आपको मास्ट एक खरीदना है। ये देखिए आईरिक, इसको आपको एक मास्ट खरीदना है, इसको आपको चाहिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छी रिकॉर्डिंग करने के लिए। इस आईरिक को अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस आईरिक को आप मोबाइल में लगा सकते हैं, साथ साथ कैमरा में कुछ कहीं भी लगा सकते हैं अगर ये 3.5mm जैक सपोर्ट होगा। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, तो यहाँ पर इसके ऊपर आप देख सकते हैं होल थोड़ा बड़ा होल है, ठीक है। तो इस होल में आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी एक जैक है जो एक आईरिक के साथ नहीं मिलता है, शायद मेरा को ये जैक किसी और के साथ मिला है, मेरे को ठीक से याद नहीं, और इसके साथ भी मिल जाता हो सकता है। तो ये जो जैक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसको मेरे को मिला था जो माइक्रोफोन है बोया का माइक, उसका साथ इसको मिला था, और ये DSLR में यूज करने के लिए। तो ये आप परचेस भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो मैं लिंक भी दे सकता हूँ। तो अगर अलग से खरीदेंगे तो थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होगा। तो इसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं और इसमें भी आप 3.5mm जैक सपोर्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो समझ लीजिए इसको कैसे सेटिंग करना है, ठीक है, इसमें ये पिन सपोर्ट होगा। और देखिए इसमें अगर इसका कोई जरूरत नहीं, अगर जरूरत होगा तो आप लगा सकते हैं। तो फिर समझ लीजिए कैसे आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेंगे प्रोग्राम मिक्सर से, कोई बहुत सारे तरह के मिक्सर होता है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे केबल खरीदेंगे, बहुत सारे के मिक्सर में ऐसे एक ऑप्शन होता है, स्टूडियो 2 पॉइंट होता है, उस 2 पॉइंट में आप ये लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक लाइन है, उसका बाद 2 लाइन बन गया, एक है रेड और एक है ब्लैक, आप देख सकते हैं 2 कलर का है। 2 कलर आप लगा देंगे तो स्टीरियो साउंड बोलते हैं उसको, तो लगा देंगे और इस पॉइंट को डायरेक्ट आप मोबाइल लगा सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा अगर आप ये 3.5mm जाके, ये बहुत बड़ा केबल है, इसको RCA केबल बोलते हैं, तो इसको अगर आप इसमें लगा देंगे तो ये तो इसमें नहीं लगेगी, इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इस जैक को अगर हम इसमें सेट कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे तो ये सेट हो गया। और इसमें आप मोबाइल, ये 3.5mm है और ये भी 3.5mm, देख सकते हैं, ये भी 3.5mm, दोनों जैक सेम है। लेकिन आप इसको डायरेक्ट मोबाइल में देंगे हो सकता हो, लेकिन फिर भी कभी कभी मिस भी हो जाता है। लेकिन आपको एक आईडी खरीदना है, 400 से 500 रुपए ऐसे ही कम में ज्यादा होते रहते हैं, तो और उसके साथ अगर ये बाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या होता है, सभी मिक्सर में सभी पॉइंट नहीं होते, हो सकता है आप जिस मिक्सर पे रिकॉर्डिंग करने के लिए गया है तो उस मिक्सर पे ये जो स्टूडियो लाइन है उस मिक्सर में पॉइंट भी नहीं है। बहुत सारे मिक्सर में, पुराना मिक्सर में होता है ये पॉइंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये पॉइंट नहीं होता, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में फंस भी गया, ये पॉइंट नहीं था तो साउंड रिकॉर्डिंग की बहुत ही प्रॉब्लम आई, तो तब क्या करेंगे, आपको ऐसे केबल रखना है, थोड़ा बड़ा वाला केबल, मीटर ज्यादा कर लेंगे, वहां पर मिल जाता है ऑनलाइन में। और देखिए आर एक बाय कर लेंगे और एक आईरिक, अब समझ गए, हो सकता है, मतलब मैं आशा रखता हूँ। और एक केबल आपको खरीदना है जिसको ये केबल फ्रेंड, देखिए बहुत लोग मतलब समझ भी नहीं आता ये कौन सा केबल, आप समझ लीजिए, इसमें इसके अंदर 3 लाइन है, 2 भी लाइन आपको काम पे आएगा। जैसे एक लाइन ये जो जैक देख सकते हैं, इस बीच में एक लाइन है और एक लाइन, मतलब 2 लाइन, इसमें भी जो सेम जैक है और इसमें भी सेम जैक है। अगर आप एक पॉइंट को मिक्सर में, जो साउंड मिक्सर होता है, जो प्रोग्राम चलाते हैं उस साउंड मिक्सर में लगा देंगे, याद रखिए आप कहीं भी पॉइंट में मत लगाइए, सभी मिक्सर में होता है एक हेडफोन जैक, हेडफोन लाइन होता है, उस हेडफोन में आप इसको लगाएंगे और साउंड को आधा कर देंगे, पूरा फुल नहीं, पूरा कम नहीं, बीच में रख देंगे, इसको लगाएंगे। और ये भी अब लोकल मार्केट पे आपको मिल जाएगा, जो जिसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉप में आपको मिल जाएगा, ये माइक्रोफोन जो गान बन करते सभी लोग उसका केबिल है। तो इस जैक को दोनों माथे पे, मतलब दोनों पॉइंट में आप लगा देंगे, ये दोनों जैक, ये सेम जैक, ये जैक और ये जो मैंने दिख रहा हूँ ये जैक ये सेम है, लेकिन इसमें कट पॉइंट है और ये बिल्कुल यहाँ पे इसके अंदर सेट है, ठीक है। ये दोनों माथे में एक सेम जैक लगा हुआ है, आप लगा लेंगे 20-50 फुट, जो जितना भी आप चाहिए, 30 फुट मेरा इसके बिल है, आप 50 फुट भी ले सकते हैं। तो दोनों में लगा लेंगे, लगाने के बाद एक को देंगे मिक्सर में,
जो मिक्सर में साउंड चल रहा है हेडफोन पॉइंट पर लगा देंगे। और दूसरा पॉइंट को आप क्या करेंगे फ्रेंड देख लीजिए, दूसरा पॉइंट को आप ये जो आई रिंग है इस आई रिंग में लगा देंगे। इसके लिए आपको ये छोटा पॉइंट भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर ही बड़ा पॉइंट है, और ये बड़ा पॉइंट बड़ा से आपको छोटा करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको ऐसे लगा देंगे और दूसरा पॉइंट को आप क्या करेंगे मिक्सर में लगा देंगे और इसको आप मोबाइल में लगा देंगे। साउंड रिकॉर्डिंग हो जाएगा बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से। एक बार आप रिकॉर्डिंग करके देख लेंगे, एक मिनट या 30 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग करके देख के सुन लेंगे कि हाँ रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, साउंड में कुछ प्रॉब्लम हो रही की, तब आप मिक्सर में साउंड कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छी तरह से साउंड रिकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड हो सकता है मैं बहुत डिटेल में बताया इसलिए कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को समझ में आ गया, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम मतलब कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो फिर वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो देखने के लिए। कोई कमेंट आया, ज्यादा कमेंट है तो उसके लिए नया वीडियो भी बना दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।